ईरान ने भारत को दिया सबसे बड़ा झटका। चीन से महाडील के बीच किया किनारे। चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को हटाया। ईरान चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की महाडील से ठीक पहले ही भारत पर उसके दुष्प्रभाव देखने लगे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए वो अब खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के ऐलान से भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जा रही है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। इस रेलवे लाइन को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाया जाना है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है। क्या कह रहा है ईरान? ईरान के रेलवे ने कहा है कि वो बिना भारत की मदद के ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए वो ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड 40 करोड़ डॉलर की धनराशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। ये परियोजना भारत के अफगानिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाया जाना था। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। भारत ईरान के बीच क्या हुआ था समझौता? साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पूरी परियोजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इस परियोजना का पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान भी गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत ने रेल परियोजना पर काम शुरू नहीं किया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दे रखी है, लेकिन उपकरणों के सप्लायर नहीं मिल रहे हैं। भारत पहले ही ईरान से तेल का आयात बहुत कम कर चुका है। चीन ईरान के बीच होने वाली है सुपर डील। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। इस डील के बाद चीन और ईरान में सैन्य सहयोग भी पहले के मुकाबले काफी तेजी से शुरू हो जाएगा। इस सैन्य सहयोग में हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है। भारत अमेरिका को बड़ा झटका। चीन और ईरान के बीच अगर ये डील सफल हो जाती है तो अमेरिका और भारत को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस प्रयास में है कि ईरानी प्रशासन की सैन्य और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उसे अलग थलग कर दिया जाए। यही नहीं, चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अमेरिका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। भारत ने ईरान की बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। ईरान भारत का भी मुख्य तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन बौद्धिक संपदा अधिकार की चोरी कर रहा है और वहां पर बिजनेस करने वाले अमेरिकी कंपनियों पर अब तकनीक के हस्तांतरण का दबाव डाल रहा है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भी दोनों देश आमने सामने हैं।